हेलो गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे HTTP, HTTPS और भी टॉपिक देख लेंगे। तो HTTP होता क्या है? बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है, ठीक है। पूरी वेबसाइट एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है और वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक सर्वर पर पड़ा होता है, ठीक है। और उस सर्वर का आपके पास नाम होता है, ठीक है। मैंने कहा लेट सपोज यू कैन से RGPV नोट्स, ठीक है। RGPV नोट्स है तो आपने सिंपल लिखा HTTP, ठीक है, कोलन स्लैश स्लैश ये, ठीक है, स्लैश स्लैश। फिर आपने कहा www.rgpvnotes.in, ठीक है। सो जो RGPV नोट्स थे वो डॉक्यूमेंट था, वो पूरा खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो ये जो था ये कहते हैं प्रोटोकॉल था जो डॉक्यूमेंट को फेच करता है। ये सिंपल जो है HTTP, बेसिकली जो HTTP होता है वो हमारा पोर्ट 80 या इन की तीनों पोर्ट में से किसी भी पे यूटिलाइज होता है, ठीक है, ठीक है। RFC इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये था हिस्ट्री। अब देखते हैं HTTPS, तो ये क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस का सबसे पहले डिफरेंस आप एक चीज़ याद रख लीजिए, S वाला ज़्यादा सिक्योर है, S माने सिक्योरिटी, विदाउट S माने नॉट सिक्योर, ठीक है। तो आजकल हर वेबसाइट HTTPS में ही होती है लगभग, इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत सारे ऑथेंटिकेशन होती हैं, उस वजह से ये सिक्योर होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आप समझ चुके हो गए, पूरा HTTP होता है ये बट विथ सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP, ठीक है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को या वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो वो सिक्योर रहेगी, आप जो भी डेटा भेजोगे वो सिक्योरली सेंड होगी, बीच में कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता आपके डेटा को। तो ये होता है, आप बार बार लॉगिन करना पड़ सकता है, ये होता है HTTPS, ठीक है। आपके ऑनलाइन बैंक के जो वेब पेज होते हैं वो बेसिकली HTTPS ही होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, FTP। लाइक आपको अपनी कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो आप FTP सर्वर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए FTP को डिटेल में समझते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपका TCP और IP होता है, तो TCP आपके इंटरनेट को स्मूथली रन करता है और IP आपका ट्रैफिक ट्रांसफ़र करता है। ट्रैफिक ट्रांसफ़र मीन्स आपने किसी भी वेबसाइट का नाम लिखा था वो IP में कन्वर्ट किया, वो जो IP है वो आपको एक डेडिकेटेड वेबसाइट पर पहुँचाएगा, ठीक है। तो IP का काम है आपको वेबसाइट तक पहुँचाना, TCP का मतलब आपका इंटरनेट स्मूथली रन होना चाहिए। इंटरनेट स्मूथली मीन्स कि आपके पैकेट ट्रांसफ़र और कोई पैकेट ड्रॉप होगा तो उनको दोबारा रिट्रांसमिशन करना काफ़ी सारी चीज़ होती है TCP अंदर, वो फॉलो होती हैं TCP और IP, ठीक है। सेम वैसे ही FTP में भी होता है, एक होता है FTP सर्वर, एक होता है FTP क्लाइंट। FTP सर्वर मीन्स जहाँ पर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, पूरा हमारे जो फाइल्स हैं डेटा है जो भी हमें यूज़ करनी है वो सब सर्वर पर पड़ी हुई हैं। क्लाइंट मीन्स कोई भी हो सकता है जो उस रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है, ठीक है। तो ये होता है FTP सर्वर, FTP क्लाइंट, और ये पोर्ट 21 पे यूज़ होता है जो ओपन रहता है ट्रांसफ़र के प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा, ठीक है। सो आई थिंक आपको FTP क्लियर हो गया होगा, आप पढ़ लीजिएगा रीडिंग। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को फीडबैक देते हो कि आप बस तुम बोलते रहते हो, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ समझा रहा हूँ हर चीज़। आज इस बार मैं आपको पढ़ के नहीं समझा रहा, मैं आपको सीधे मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ हर चीज़ का, सो डैट आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउज़र से, अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।